rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई मार्शल आउट कर दिया करा दिया गया हमें बैठेंगे धरना पे बैठेंगे सरकार पक्षपात का वो कर रही है बर्ताव कर रही है। सीमांचल की बस्तियां कट रही हैं, हमारे यहाँ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बस्तियां कटकर नदी में विलीन हो गई हैं। लगभग 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। इस वक्त भी बस्तियां हमारी कट रही हैं। उच्च स्तरीय टीम यहाँ से गई, उसने भी अनुशंसा की है, लेकिन हमारी योजनाएं स्वीकार नहीं की जा रही है और लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन नदियों में विलीन हो गए, रेत हो गया। सरकारी सड़कें, सरकारी भवन, पुल पुलिया कटकर ध्वस्त हो गए हैं और वहां पर इस वक्त भी कटाव हो रहा है। तो आखिर मैं समझता हूं कि एक महीने के अंदर में बारिश शुरू होगी, हमारे यहां काम नहीं कराया जा रहा है, हम जनता को क्या जवाब देंगे? इसलिए हमने कहा कि कार्य स्थगन हम ला रहे हैं, हमारे कार्य स्थगन के माध्यम से आप विभाग को वो कीजिए। तो हमको मार्शल आउट कर दिया करा दिया गया, यानी योजनाओं में भी सीमांचल की अनदेखी की जा रही है और सदन में भी सीमांचल की पीड़ा को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही वजह है कि सदन का हम लोग क्या करेंगे आप? हम करेंगे क्या? हम अध्यक्ष से हम चाहेंगे हम बैठेंगे यहाँ पर धरना में बैठेंगे प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।